गाइस, तो आज मेरे यूट्यूब पर बहुत देरों बाद ब्लॉग आया है, तो आप लोग इस ब्लॉग को ज़रूर देखना, बिकॉज आज हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए बेस्ट प्राइस हमारे यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं गाइस, हम चार जा रहे हैं, हमारे पांच मेंबर्स हैं, तो मैं, मम्मी, भाई, पापा, हम पाँचों जा रहे हैं, सॉरी चारों जा रहे हैं। तो मैं और मम्मी सेल्फी ले रही थी, लेकिन सेल्फी अच्छी नहीं आ रही थी तो मैंने नहीं ली। ओके, तो हम आ गए थे बेस्ट प्राइस। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना गाइस। चलिए ये देखिए, यहाँ है हमारा बेस्ट प्राइस, इसके अंदर जाएंगे अब हम। मेरे डैडी बोलते मैं पतला हो गया, उनका साइड से दिखाना मुझको। मैंने कहा ठीक है, दिखा देती हूँ। मैंने वीडियो बना ली, उसके बाद हम गए बेस्ट प्राइस। फिर हम ट्रॉली लेना भूल गए थे, तो पापा ने मुझसे कहा कि तू ट्रॉली लेकर आओ बेटा, लेकिन मैंने बोला मुझे नहीं लेकर आनी, थोड़ी हैवी होती है वो, बट स्टिल मैं गई लेने, मैं लेकर आती हूँ ट्रॉली। कैसे फ़ोन हिला है भाई। उसके बाद मैंने ट्रॉली ले ली थी, तो मुझे थोड़ा सा हैवी लगा था, बिकॉज मैं एक हाथ से ब्लॉग भी बना रही थी। तो चलो गाइस चलते हैं लेके, डरते डरते मैं अंदर ले गई थी। तो VIP लोगों के लिए दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, तो लेट्स सी, देखिए मेरे लिए अपने आप दरवाज़ा खुल गया था। फिर मैं अंदर गई और ये बहुत डिसबैलेंस हो रहा था, बिकॉज मैं एक ही हाथ से चला रही थी इसको। एक अंकल आ गए थे सामने, उन पर लगने से बच गया। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, आप बैलेंस करते हैं कैसे भी करके। फिर वो तीनों महाराज जी आगे चल रहे हैं और मैं अकेले ट्रॉली लेकर आ रही हूँ, ब्लॉग भी बना रही हूँ, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो चले आगे चलते चलते चलते, ये देखिए हाँ चीज देनी। तो गाइस मम्मी मेरे पीछे चल रही है कि मैं कहीं अपना सामान ना ले लूँ। मुझे कुछ भी नहीं लेने दिया उन्होंने, मेरा एक दो चीज़ें ली हैं मैंने, फेस वॉश हो गया, बाकी और उन्होंने मुझे दो तीन चीज़ों से लाई हैं बस, बाकी और उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिलाया। मेरी माता श्री को फ़ोटो खिंचाने का बहुत शौक है, और बोलती है मुझसे मेरा अपने पापा का ले लियो एक फ़ोटो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बोला डैडी मुझे पिज़्ज़ा बनाना है, तो चीज़ ले लो। उन्होंने मेरी बात मान ली, मम्मी ने नहीं मानी। तो चलिए चलते हैं और सामान लेते हुए, डिस्कशन हो रहा है कितना सामान हो गया अभी और क्या क्या रह गया है। काफ़ी सामान ले लिया था हमने, और जितना भी लिया था वो सारा कुछ सिर्फ खाने का ही लिया था। खाने के लिए सब कुछ लिया था, बाकी कुछ ज़रूरत का सामान, वॉशरूम वगैरह का, आप देख सकते हैं कि हमने क्या क्या लिया है। हमारी शॉपिंग हो चुकी है, अब एक चीज़ दिखाने वाली बहुत ही खतरनाक है वो है। तो गाइस पेमेंट हो चुका है। मिला ले तो गाइस हमने सारा सामान कार में रख दिया है, और अब हम चलते हैं अपने घर पे। सो गाइस आज के ब्लॉग में आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर।